ज्यादा है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल? यहां पे हमारे पास होगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर ये गिवन होगा क्वेश्चन में जब हमें ये फाइंड करना होगा। तो सपोज ये गिवन है x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा वाई टू, हमने बना लिया यहां पे एक सर्कल। ये सर्कल बन गया हमारे पास, ठीक है, ये है डायमीटर। एक्सट्रीम पॉइंट्स भी आ गए अपने पास, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या आ गए, x1 कॉमा वाई वन एंड x2 कॉमा वाई टू, ये भी आ गए। अब वो बोल रहा है कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो, कैसे करोगे? तुम बोलोगे इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते तो सेंटर आ गया, और डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो रेडियस आ गया। बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म हम डायरेक्टली इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसका जो वैल्यू नहीं, इसका जो इक्वेशन होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि डायमीटर है ना, तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। यहां पे मैंने एक पॉइंट रख दिया पी, तो पी यहां पे कितना भी मूव होता रहे, एंगल एपी भी कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ बीपी शुड बी -1, ये होना चाहिए। तो अगर हम ये स्लोप निकाल लें, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ एपी कैसे आएगा, k माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन इंटू के माइनस वाई टू अपॉन एच माइनस एक्स टू इक्वल टू -1। तो ये जो न्यूमिरेटर वाले टर्म है इनको मैं यही रहने देता हूं, k माइनस वाई वन के माइनस वाई टू इसको यही रहने देता हूं, और h वाले टर्म्स को मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा -h माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू, ये आ गया। और हम क्या बोलने वाले, इस टर्म को अगर मैं इधर ले आऊं, ट्रांसपोज कर लूं लेफ्ट हैंड साइड पे एच वाले टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा, एच माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू प्लस के माइनस वाई वन इंटू के माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। तो जब इक्वेशन देखोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन आएगी हमारे पास h की जगह पर x और k की जगह पर y। तो हम इक्वेशन क्या बोलेंगे, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। जब भी डायमेट्रिक फॉर्म में होगा, मतलब डायमेट्रिक फॉर्म में फाइंड करना होगा, ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर दिए हुए होंगे, तो हम क्या करेंगे यहां से इसको फाइंड करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक? जनरली इस पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो बन के आता है नहीं, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा तुम्हें कि तुमसे वो पूछे कि ये डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज है, बताओ डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, ये तो कोई नहीं पूछने वाला है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन उसने दे दिया हो जो ऑलरेडी डायमेट्रिक फॉर्म में हो, जो ऑलरेडी डायमेट्रिक फॉर्म में हो, और उसके बाद फिर वो हमसे सॉल्व करने के लिए बोलेगा। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल दिखाता हूं, वो हमसे ये बोल रहा है कि लेट अ सर्कल बी गिवन एज 2x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू 2y माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये उसने सर्कल का इक्वेशन दे दिया हमें, ठीक है। और वो बोल रहा है सच दैट ए एंड बी आर नॉन जीरो, ये दोनों भी जीरो नहीं है। फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी, ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है फाइंड द कंडीशन ऑन ए एंड बी इफ टू कॉर्ड्स ईच बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस।
two chords, each bisected by the x-axis, can be drawn from the point a comma b by 2. क्वेश्चन पहली बार में तो ये समझ में ही नहीं आता है कि ये बोलना क्या चाहता है, जब तक हम इसको डायग्राम के थ्रू नहीं समझे. तो मैंने ये दिखा दिया, मैंने ये बनाया, मैं बोल रहा हूं दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. वी हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑन ए ऑन बी सच दैट टू कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट सच दैट दीज कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस, सच दैट दीज कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस. अब समझना, ये बना रहे हम सर्कल एक, ठीक है, ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस. ये जो सर्कल है ये डायमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, तुम्हें दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगा. दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा, देखो मैं दिखाता हूं. टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए, और इसके ब्रैकेट के अंदर से टू कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू वाई इंटू वाई माइनस बी बाई टू इक्वल टू जीरो. टू से डिवाइड कर दोगे तो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस ए, ये लिखा हुआ है वाई माइनस जीरो वाई माइनस बी बाई टू. तो अगर हम इसको देखेंगे तो लिखा है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू, जिसमें डायमीटर का एक एक सपोज ये ओरिजिन है, सपोज यहां पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन भी इस पे लाई कर रहा है, और उस ओरिजिन का क्योंकि एक्स वन कॉमा वाई वन क्या आ गया जीरो कॉमा जीरो, और डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है ए कॉमा बी बाई टू, और वो क्या बोल रहा है, यहां तक समझ में आया ना? ये हमने सिर्फ सर्कल की इक्वेशन देख करके समझा. अब इसके आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है टू कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, टू कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट सच दैट दीज कॉर्ड्स आर बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस. सिर्फ दो ही कॉर्ड ऐसे होने चाहिए जो इन पॉइंट से बनाए जा सकते हैं और जो एक्स एक्सिस को या एक्स एक्सिस जिसको बाइसेक्ट कर रहा होगा. यहां तक क्लियर? एंड वी हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑन ए ऑन ए एंड बी. क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बोल रहा है वो? हो गया ना? अच्छा, ये इक्वेशन को जो हम लोगों ने यहां पे थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया था वो सिर्फ इसलिए किया था कि हमें डायमेट्रिक फॉर्म समझ में आ जाए, दैट्स इट. उसके अलावा कोई हमारा और कोई मोटो नहीं था. अब अगर एक्स एक्सिस बाइसेक्ट कर रही है तो ये जो पॉइंट आ रहा होगा ये वाला पॉइंट, इसको मैं कुछ लैम्डा कॉमा जीरो बोल सकता हूं. मैंने बोल दिया सपोज दिस पॉइंट इज लैम्डा कॉमा जीरो. अगर लैम्डा कॉमा जीरो तो ये वाला पॉइंट भी मिल सकता है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग मिड पॉइंट किसका लिखेंगे? एक ए कॉमा बी बाई टू है, ये वाला पॉइंट मुझे फाइंड करना है जिसको मैं एक्स वन कॉमा वाई वन ले लेता हूं, और मिड पॉइंट क्या है, लैम्डा कॉमा जीरो है. तो मैं बोलूंगा कि ए प्लस एक्स वन बाई टू इक्वल टू व्हाट, लैम्डा. तो एक्स वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी टू लैम्डा माइनस ए, और दूसरा क्या है, बी बाई टू प्लस वाई वन बाई टू इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो. वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो. तो यहां से हमारे पास वाई वन का वैल्यू भी आ जाएगा, वाई वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू. अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो नया पॉइंट आया है ये भी तो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हम इसको सर्कल पे लाई कराएंगे, मतलब इस पॉइंट को, इसको एक्स वन वाई वन को इस सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू टाइम्स. अगर मैं इस पॉइंट को एक्स वन कोमा वाई वन को मैं लाई कराता हूं सर्कल पे, लाइज ऑन द सर्कल ऐसा बोल दिया मैंने, तो अगर मैं लाई कराता हूं तो मैं बोलूंगा टू टाइम्स एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, टू लैम्डा माइनस ए
और x माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस ए, तो इट विल बी 2 लैम्डा माइनस 2a, प्लस y की जगह पर क्या आएगा, माइनस बी बाई 2, 2y इज माइनस बी इक्वल टू 0। ये कर दिया हमने, कोई डाउट है यहां तक? अब ध्यान से देखो, हमें मिल रही है लैम्डा में एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, अगर मैं इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां से एक 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर क्या बन जाएगा, 4, और इधर 2 लैम्डा माइनस है और इधर लैम्डा माइनस है, इसको जरा ओपन करते हैं तो इट विल बी 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस, इधर क्या आ रहा है, बी बाई 2, और इधर क्या आ रहा है, माइनस 2 भी, और 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 4 2 जा 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 ए टाइम्स लैम्डा प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, आया ना? और मैं क्या बोल रहा हूं कि लैम्डा के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करने चाहिए, क्यों? ऊपर डायग्राम में दिखाई पड़ा ना मैं कि यहां पे लैम्डा की दो वैल्यूज होने चाहिए, वो दो बाय दो कॉर्ड ऐसे बोल रहा है, टू कॉर्ड्स आर एग्जिस्टिंग, सो ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसे बोलोगे टू कॉर्ड्स आर एग्जिस्टिंग देन देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दैट मींस दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब आते हैं, तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हम बोलेंगे कि d ग्रेटर देन 0, तो d ग्रेटर देन 0 करो तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से जो जो कॉमन निकाला जा सकता है निकाल लो, कॉमन कॉमन निकालोगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 8 इंटू 4, ये आ रहा है 32, तो अगर 32 निकालोगे तो इधर से कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू 9 होता है ना, अच्छा ऐसा 16 कॉमन आ रहा होगा, मैं 16 कॉमन निकाल लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा 9 ए स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा माइनस 8 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2 बी स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी हमारे पास ए और बी में। ये बात समझ में आ रही है, ऐसा क्वेश्चन जेई में 3 बार आ चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनता तब तक तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें हो क्या रहा है। इक्वेशन यूज कराता है वो सर्कल का, कंडीशन देता है कॉर्ड पे, जिसमें तुम यूज करते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यूज करनी पड़ती है इनइक्वालिटी। एक ही क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है इसी पैटर्न में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना।